sky. Sky has no limit. मेरे पापा मुझसे कहा करते थे कि आसमां में उड़ने के लिए पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आसमां को निशाना बनाना पड़ता है। और वैसे भी सागर का काम तो हमेशा आसमान देखना ही है ना। निशान चाहे कुछ भी हो, पत्थर या इंसान, दिल मजबूत और नजरें तेज होनी चाहिए। क्या नाम है तेरा? सागर, सागर मुंडा। क्या करता है? पढ़ना कॉमन चीज है, मैं बहुत कुछ और भी करता हूँ। मतलब? मैं सपने देखता हूँ, फिर उन्हें छेड़ता हूँ और फिर छेड़ता हूँ। बड़ी सियानी बातें करता है तू, मुझसे क्या काम? जवाब मांगने आया हूँ। ये देखिए अखबार, इसमें लिखा है कि माओवादियों का पीछा करते करते आप और आपकी फौज ना ही उन्हें पकड़ पाई, ना ही उन्हें शूट कर पाई। तो क्यों? अबे छछुंदर, तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? छछुंदर नहीं, सागर। तो सागर जी जो अभी भारत के नागरिक भी नहीं बने वो मुझसे जवाब मांगेंगे? जवाब मैं देता हूँ, अगर आपकी जगह में होता तो उन्हें वही शूट कर देता। अच्छा, तो सागर जी शार्प शूटर बनना चाहते हैं? बनना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। भारत में पैदा होने की यही तो एक खासियत है। हमारे 20-20 आदमी मारे गए और उनका एक भी नहीं। Why could you not shoot them? Why? लो, एक और न्यूज रिपोर्टर। चल, उन्हें तो मैंने नहीं बताया लेकिन तुझे बता देता हूँ। हमें ऊपर से शूट करने का ऑर्डर नहीं था, पॉलिटिकल प्रेशर, समझा? ये सब तू नहीं समझेगा। चल अभी निकल इधर से, वरना दूंगा एक कान के नीचे। बड़ा आया मुझसे सवाल करने वाला। मरने वालों में से मेरे एक पिता भी थे, श्री सुभाष चंद्र मुंडा। मुझसे मेरा आकाश छीन गया। सर, अगर ऐसे ही ऑर्डर चलते रहे तो जिस दिन आपको शूट करने का ऑर्डर मिलेगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और रही बात मेरी, अगर आपकी जगह में होता तो उन झाड़ियों में छिपे एक भी माओवादी को न छोड़ता, पर आपकी जगह में हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी जगह कई और है। और एक दिन इसी न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर आप मुझे देखोगे। ओलंपिक शूटिंग विनर के रूप में।